नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर के रेलवे स्टेशन परिसर पर पिछले 37 सालों से नागरिक सेवा समिति के सदस्य पूरी गर्मी के मौसम में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के रुकते ही बोगियों में यात्री बोतलों में पानी भरते आ रहे हैं और समिति के सदस्य निशुल्क जल सेवा करते हैं, लेकिन रेलवे प्रबंधन ने विद्युत कनेक्शन काट कर इस सेवा को बंद कर दिया है। वही समिति के अध्यक्ष कांति भाई शाह ने बताया कि पिछले कई सालों से रेलवे के अधिकारियों का सहयोग मिलता रहा है और इस कारण सेवा चलती रही, लेकिन वर्तमान में अधिकारी सहयोग करने से मना कर रहे हैं। वही हमने स्टेशन पर खराब पड़ी प्याऊ ठीक कराने की बात भी कही, अगर प्रबंधक पानी की मोटर चलाने के लिए विद्युत कनेक्शन जोड़ देंगे तो सेवा द्वारा शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रबंधक कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वही जल सेवा शुरू ना होने से यात्री भी परेशान हो रहे हैं। और यात्री विनोद अग्रवाल ने बताया कि गर्मियों में रेलवे यात्रियों को ठंडे पानी के लिए परेशान होना पड़ता है, जहां समिति पिछले कई सालों से निशुल्क जल सेवा करती आ रही है और सेवा के कार्य में रेलवे का नकारात्मक रुख निंदनीय है। वहीं इस पूरे मामले में स्टेशन मास्टर एस के पाल का कहना है कि वे समिति को जल सेवा करने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विद्युत कनेक्शन उन्हें खुद लेना पड़ेगा। विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नगर के भामा साहो द्वारा 37 साल से गंज वासुदा रेलवे स्टेशन पर जल व्यवस्था हर ट्रेन पे एक एक डब्बे पे जाकर और सबको पानी पिलाया जाता था, लेकिन रेलवे के असहयोग और नकारात्मक रवैये के कारण आज ये व्यवस्था भंग हो गई है और इतने भारी गर्मी के मौसम में लोगों को प्यासे यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। तो मैं इस कृत्य की निंदा करता हूँ।